हाँ जो खाली कुर्सियां आगे पड़ी हैं खाली, पीछे से आप पीछे से आगे आ जाइए, बैठ जाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा, ये खाली खाली कुर्सियां पड़ी हैं अच्छा नहीं लग रहा है। अब बुजुर्ग लोग तो आ ही जाइए, नजदीक से बहुत अच्छा तरह से दिखाई देगा, और आप करीब आ जाइए, मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन का अवसर प्राप्त होगा, आप और करीब आ जाइए। इतना सुअवसर प्राप्त हुआ है, आप इतने दूर बैठे हैं, हम आपके भले की कितना सोचे, हम कोशिश कर रहे हैं आपका भला हो, लेकिन आप भला चाहते नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। एक बार तालियां बजाइए जोरदार, बड़ी कवित्री हैं, श्रेष्ठ कवित्री हैं, इसलिए इनका क्रम हमने ये रखा था जी। स्वागत है पूनम जी। जी संचालक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, और यहीं ही नहीं देश विदेश में जा कर के अपने काव्य पाठ का और संचालन का मुकाम हासिल किए हैं। आदरणीय हास्य व्यंग के धुरंधर कवि, आदरणीय अनिल चौबे जी, मैं प्रणाम करती हूँ, बड़े आदर के साथ उन्होंने मुझे माइक पर बुलाया है, और हमारे बीच एरोरा के बड़ी पत्रकार आदरणीय भैया लाल बैठे हैं मंच पर। अरे आप खाली लाल बोल दीजिए, भैया मत बोलिए, आज भैया वाला हम लोग बोल देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे, भैया हम बोल देते हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। क्या मतलब, बसंत का मौसम, श्रृंगार का मौसम, 12 बजे रात को आप भैया भैया, हम भैया बोल दे रहे, आप लाल बोल दीजिए, बाकी काम हो जाएगा, और आनंद के साथ सुनिए। हाँ, और इस मंच पर एक आदत शायर भी बैठा हुआ है, शाहिल मिर्जापुर पूरी, तो मैं हाजिर करती हूँ, चार पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ, आप लोग सुनिएगा, दुआओं से नवाजिएगा, अगर पंक्तियाँ आपके दिल तक पहुँचे तो। हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि दिल में अपने तुम्हारा ही गम रख लिया, वाह वाह वाह, दिल में अपने तुम्हारा ही गम रख लिया, दिल में अपने तुम्हारा ही गम रख लिया, हमने उल्फत का तेरी भरम रख लिया, हमने उल्फत का तेरी भरम रख लिया, तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में, तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में, तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में, इसलिए नाम मैंने पूनम रख लिया, इसलिए नाम मैंने पूनम रख लिया, इसलिए नाम मैंने पूनम रख लिया। और सबसे पहले होली में बसंत आता है, उसके बाद 15 दिन बाद होली आती है। अरे पूनम जी क्या बताएं, हमारे गांव में ठाकुर जब चाहते हैं तब बसंत आ जाता है, अब बसंत उनके नौकर का नाम है, और आज भी यदि गांव का ठाकुर चाह ले तो बसंत क्या बसंती आ जाती है, आज भी बसंत का क्या औकात है। अब देखिए इनकी नर्स के जूड़े में लगे पीले पीले फूलों को देखकर, मुझे मालूम है, अरे मैं क्या है ना कि मैं एक एक आदमी को महान समझता हूँ, मैं मान रहा हूँ कि हमारी बात सब लोग समझ रहे हैं। नर्स के जूड़े में लगे पीले फूल को देखकर डॉक्टर ने समझा कि बसंत आ गया, मरीज समझा कि बस अंत आ गया। इनकी बात आप लोग सुन लिए, तालियां बजा करके आदेशित करिए तो मैं भी इनके लिए कुछ कह दूं, नहीं तो अधूरा कहा जाएगा। जी हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि आप यूं बेनकाब मत करिए, क्या बात है, वाह,
आप यूं बेनकाब मत करिए, तंग मुझको जनाब मत करिए, मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं किसी और की अमानत हूँ, अपनी नीयत खराब मत करिए, अपनी नीयत खराब लोग समर्थन कर रहे हैं, आप लोग आनंद ले रहे हैं कि आप इतना बड़ा आक्षेप लग रहा है कि अपनी नीयत खराब मत कीजिए, वो क्या क्या है ये अकेला वहाँ से अकेले करवाबा क्या बात है, मतलब हमारे ऊपर आक्षेप लग रहा है। वो नीरज जी ने दो पंक्ति कही है कि कतरा कतरा गुलाब क्या होगी, पत्ती पत्ती क्या करते करके शराब क्या, कतरा कतरा शराब क्या होगी, पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी। अब तो दो पंक्ति हमने घुसा दी इसमें कि जिसके पास ऑलरेडी कैटरीना कैफ का ऑफर हो उसकी तेरे पे नीयत खराब क्या होगी। हम पूछ सकते क्या मतलब हमारे क्या इन्होंने खराब की बात कही। मैं चार पंक्तियां और, आप लोग पूरे सदन से तालियों का आशीर्वाद मांगती हूं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इनको कुछ कह सकूं, मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूं। सुनिएगा, इनके पास कैटरीना कैफ है इसलिए इनकी नीयत खराब नहीं, ये तो कहना चाहते हैं कि मेरी नीयत खराब हो गई इसलिए कैटरीना कैफ को बीच में ला दिए। चार पंक्तियां हाजिर करती हूं, सुनिएगा। कि रहो इंसान बनकर प्यार के दस्तूर के ऊपर, रहो इंसान बन के प्यार के दस्तूर के ऊपर, कभी तुम वार मत करना किसी मजबूर के ऊपर, कभी तुम वार मत करना किसी मजबूर के ऊपर, वो भूखी रह के भी अपना मुकद्दर आजमाती है, वो भूखी रह के भी अपना मुकद्दर आजमाती है, निशाना शेरनी करती नहीं लंगूर के ऊपर, निशाना शेरनी करती नहीं लंगूर के ऊपर। इनकी खुशी का ठिकाना देख, नरसिंह सासी कितना खुश हो रहे, कितना इनकी खुशी देखिए। अच्छा उधर उधर दादाजी लोग जो बुजुर्ग लोग हैं पिता तुल्य हैं वो भी अति प्रसन्न हो रहे हैं। आप भ्रम में हैं, हर जगह पक्का मकान थोड़े हो, हर जगह पक्का मकान थोड़े हो, हर जगह श्मशान थोड़े हो, सब काउजर पाउडर के कमाल हो, वरना जितना लौकत हो उतना जवान थोड़े हो। देखिए जो इंसान जो व्यक्ति अपने घर का संचालन नहीं कर पाता है उसे मंचों का संचालन दे दिया जाता है, जैसे डॉक्टर अनिल चौबे को। पूनम श्रीवास्तव जी, तो मैं सब जगह का संचालन कर सकता हूँ, आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने घर का भी संचालन दे के देखिए। ये नहीं है, हम पंडित हैं, बेवकूफ नहीं है। जी देखिए ये संचालन कर रहे हैं, सुनिएगा। एक छंद इनके लिए मैं समर्पित कर रही हूँ। ये दूसरे की पत्नी को देखते हैं तो बहुत छेड़छाड़ करते हैं, बुलाए हैं इनको समर्पित नहीं, सुनिए हमको समर्पित करके क्या। अब ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ कह ना पाऊँ, इसलिए कह रहे हैं। आप लोग तालियां बजाइए, आदेशित करिए, तो मैं इनको एक छंद से सुनिएगा। ये दूसरे के पत्नी को जब देखते हैं तो छेड़छाड़ करते हैं, इनकी आदत है।
मंच का भी ध्यान चाहती हूँ कि पत्नी संग भी कछुरास करो पर नारी यहाँ क्यों लुभाए रही है। पत्नी संग भी कछुरास करो पर नारी यहाँ क्यों लुभाए रही है। अफसोस पड़ोस न तोर किया अपने नयना मटकाए रही है। मति तोर खराब हुई चौबे मति तोर खराब हुई चौबे मति में कछु बात न आय रही है। और जस भैंस के आगे रे बीन बजे यह भैंस खड़ी पगुराय रही है। जस भैंस के आगे रे बीन बजे यह भैंस खड़ी पगुराय रही है। आइए भैया इधर से बाबू जी करो जवाब दो पंडित जी। अच्छा मतलब हमारी दशा होता इनको मजा होता। मतलब कितने श्रेष्ठ लोग हैं, गुरु जी को अध्यक्ष बना के और पंडित की खिंचाई हो रही है और इनको मजा आ रहा है। मैं इन आपने छंद सुनाया, मैं आदरणीय बाबू जी के तरफ से छंद सुना रहा हूँ। इनको मजा आया है तो इनके तरफ से सुना दे रहा। इनने पत्नी की बात की तो सही, ये बहुत यथार्थ बात कह रही हैं, ये सही बात है। हमने कभी मतलब इस मामले में मैं मोदी जी की तरह से हूँ, मैं पर नारी क्या अपनी नारी को भी कुदृष्टि से नहीं देखता हूँ। जो भी दो चार बच्चे हैं वो बैंक से लोन लिए हैं। हाँ तो हमने कभी इस तरह कहा नहीं। अब ये इधर कह रहे थे कि इनकी पत्नी ये कर रही है कि एक छंद मैं बाबूजी की तरफ से पढ़ रहा हूँ। इसको कहते हैं आप अर्थांतर न्यास अलंकार। ये अर्थ बदलेगा आपको मजा आएगा। सुनिए कि पत्नी के भूतपूर्व पति जैसे लोग बोले कि पत्नी के भूतपूर्व पति जैसे लोग बोले प्रेमी पति देव के ही समकक्ष होता है। तो जेठ ने कहा कि बहु 12 महीनों में भी एक माह जेठ के लिए प्रत्यक्ष होता है। कि जेठ ने कहा कि बहु 12 महीनों में भी एक माह जेठ के लिए प्रत्यक्ष होता है। तो देवरों ने कहा हक होता है कुवार का भी 30 दिनों के लिए तो देवर दक्ष होता है। तो बाबूजी ने कहा बहु उसमें भी याद रहे 15 दिनों के लिए पितृपक्ष होता। जी चार पंक्तियां और निवेदित करती हूँ, सुनिएगा आप लोग, सुनिएगा। आपका आदेश हुआ है इनके लिए तो मेरे लिए भी हुआ है। तो चार पंक्तियां मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि गैर से आँखें चार न करना, गैर से आँखें चार न करना, यूं ही किसी से प्यार न करना, यूं ही किसी से प्यार न करना। अग्नि परीक्षा देनी होगी, लक्ष्मण रेखा पार न करना, लक्ष्मण रेखा पार न करना। जब आप लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं करेंगे तो पितृपक्ष आएगा कैसे? हम इतना बेवकूफ थोड़े हैं कि लक्ष्मण रेखा पार करेंगे। कभी तो थोड़ा आप जागृत होइए, गलत बात है। लक्ष्मण रेखा पार करने की क्या जरूरत है? कभी तो आसमां से चांद उतरे शाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत जाम हो जाए। जरूरत क्या है तुम हमारी बाह में आओ, तुम ख्वाब में आओ तो अपना काम हो जाए। देखिए इन्होंने ख्वाब की बात कही। चार पंक्तियां और मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। तालियां बजा करके आदेशित करिए, मैं आपके घर की बहू हूँ, सुनिएगा। कि आई बहार नौ मेरा जीवन संवर गया, आई बहार नौ मेरा जीवन संवर गया, आई बहार नौ
मेरा जीवन सवर गया। पूनम का चांद कल मेरी छत पर उतर गया। पूनम का चांद कल मेरी छत पर उतर गया। हैरत से मेरी आँख उसे देखती रही। साहिल जी सुनिएगा कि हैरत से मेरी आँख उसे देखती रही। हैरत से मेरी आँख उसे देखती रही। वो मुझको देख देख के बेमौत मर गया। वो मुझको देख देख के बेमौत मर गया। वो मुझको देख देख के बेमौत मर गया। और मैंने सही बात है, मर गया होगा। जो जो भी ध्यान से देख ले वो मरता ही है। मैंने आपसे कहा कि बसंत ऋतु पहले आता है, उसके बाद होली। बसंत के छंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा आप लोग, दुआओं से नवाजिएगा। अंकुर जी कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। आपका इशारा संचालक ही पर है। हाँ, हमको क्यों अकेले? मेरा इशारा आप पर भी। हाँ, उनको उनको उनका गला खराब है, उनको कुछ दे दीजिए। उनको कुछ दे दें। उनको दो चार पंक्तियां दे दीजिए। हाँ, वो उनको उनको ईर्ष्या हो रही है कि सारा पंडित क्यों लेके जा रहा है। ऐसे भी कभी का आत्मसम्मान होता, ऐसे ही लोग मर जाते हैं। ऐसे ही लोग हार्ट अटैक से मरते हैं कि लगता है ब्रह्मा जी ने मन से बनाया होगा। कि लगता है, अंकुर भैया आपके तरफ से पढ़ दे रहे हैं, कि लगता है ब्रह्मा जी ने मन से बनाया होगा। छोटी मोटी कल्पनाएं देख शर्माई हैं और लेखनी हमारी कुछ लिखने के पूर्व कुछ सोचने लगी तो उपमाएं गहराई हैं। कि मादक नयन दोनों रस के कटोरे भरे भाव अनुभाव की किरण छितराई है। और ऐसे लगता है जैसे आगरे को छोड़कर तोड़कर ताज मुमताज चली आई है। इन्होंने मुमताज की बात कही। हमने आपकी प्रशंसा में पंक्तियां पढ़ी है। प्रशंसा की बात की, आप उत्तर। मैं भी प्रशंसा, उत्तर नहीं, मैं प्रशंसा कर रही हूँ। मैं भी सुनिएगा चार पंक्तियां। कि मैं सुबह की किरण और रंगी शाम बनो तुम। मैं सुबह की किरण और रंगी शाम बनो तुम। मैं सुबह की किरण और रंगी शाम बनो तुम। सीता बहुत मिलेंगी पहले राम बनो तुम। सीता बहुत मिलेंगी पहले राम बनो तुम। बंसी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी। बंसी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी। बंसी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी। राधा तो मैं बनूंगी पहले श्याम बनो तुम। राधा तो मैं बनूंगी पहले श्याम बनो तुम। राधा तो मैं बनूंगी पहले श्याम बनो तुम। और हमारी बहू कहलाती है विभा सिंह, तो उन्होंने शकुंतला की बात कही। प्रेम राधा और कांधा का अटूट होता है। हाजिर करती हूँ, सुनिएगा चार चार पंक्तियाँ। कि प्रेम में राधिका बांसुरी हो गई। वाह वाह। प्रेम मेरा अधिका बांसुरी हो गई। एक कुम्हिला इसी
पाखुरी हो गई, एक को मिलाई सी पाखुरी हो गई। जल के बिरहाग्नि में तुम सुनो सांवरे, तेरी राधा भी अब सांवरी हो गई, तेरी राधा भी अब सांवरी हो गई। अगर लगे कि साहित्य की कोई पंक्तियां आपके दिल तक पहुंच रही है तो आप दुआओं से नवाजिए, हाजिर करते हैं, सुनेगा कि प्रेम प्रेमी कहीं और कहीं कंत है, प्रेम जोगी कहीं और कहीं संत है, इससे ज्यादा सनम प्रेम में क्या कहूँ, प्रेम ही आदि है प्रेम ही अंत है, प्रेम ही आदि है प्रेम ही अंत है। तो सच कहूँ प्रेम जीवन का एक मंत्र है, जो हरा दे सभी को ये वो तंत्र है, प्रेम शाकोत्तलम के हृदय पृष्ठ पर, प्रेम शाकोत्तलम के हृदय पृष्ठ पर खून से लिखा हुआ नाम दुष्यंत है, खून से लिखा हुआ नाम दुष्यंत है। इस मार्मिक कविता पर तालियां बहुत कम आप लोगों की आई हैं, आप लोग एक बार सम्मान में अपने तालियां बजा करके मैं हाजिर करती हूं, चूंकि ये रंगभरी एकादशी के दिन आज कार्यक्रम आप लोग रखे हैं तो हम आप लोगों को रखे नहीं होता है, वैसा आप जानती हैं बहुत पुरानी है। जी 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 मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। और पहले आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं मंच पर, चार पंक्तियाँ उनके कदमों में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि चाह में तेरे मैं तो सती हो गई, चाह में तेरे मैं तो सती हो गई, प्रेम रथ की तेरे सारथी हो गई, तेरी खातिर मैं जब तेरे पीछे चली, तुम भगीरथ में भागी रथी हो गई, रथी हो गई, तुम भगीरथ में भागी रथी हो गई। और हमारे बीच कलम के पुजारी बैठे हुए हैं, चार पंक्तियां हौसला द्विवेदी जी के लिए मैं देती हूँ, सुनिएगा। बड़ी पत्रकार हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि अगर लिखूंगी रति खुद को तुम्हें मैं काम लिख दूंगी, वो यही चाहते हैं। अगर लिखूंगी रति खुद को तुम्हें मैं काम लिख दूंगी, मैं बुलबुल हूँ तुम्हें सैयाद से गुलफाम लिख दूंगी, मैं बुलबुल हूँ तुम्हें सैयाद से गुलफाम लिख दूंगी। बहुत आसान है मिट्टी पे मिट्टी से यहाँ लिखना, बहुत आसान है मिट्टी पे मिट्टी से यहाँ लिखना, मैं पानी से यहाँ पानी पे तेरा नाम लिख दूंगी, मैं पानी से यहाँ पानी पे तेरा नाम लिख दूंगी, मैं पानी से यहाँ पानी पे तेरा नाम लिख दूंगी। आइए, अब तो गुरुजी राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोएंगे। पानी पे इतना
पन्ना अपने पानी से नाम लिख दिया कि अब फागुन भर उनके कलम की स्याही नहीं खत्म होगी। पत्रकार लिखते रहेंगे, संपादकीय छापी है इस बार गुरु जी। ये हाँ, ये चौबे जी, एक चौबे जी को एक ठोर सुना दें। नहीं, हम तो सुनते रहते हैं, आप लोग सुन लीजिए। इनको जैसा देख रहे हैं वैसे नहीं है ये। अच्छा, उसी ढंग पे तो बड़े तुम दिल के काले हो, लगे कि भोला भाला हो। हाँ, यही सब चाहिए। बड़े तुम दिल के काले हो, लगे कि भोला भाला हो। मैं समझी गंगा जल तुमको, मगर तुम गंदा नाला हो। मनाओ प्रेम की होली, बुराई छोड़ दो सारी। मनाओ प्रेम की होली, बुराई छोड़ दो सारी। बहन है सामने तेरी, जुबां पे बंद ताला है। बहन है सामने तेरी, जुबां पे बंद ताला है। और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। राधा और कान्हा की वृंदावन में होली कैसे मनाई जाती है। और वहाँ की होली जब होती है तो हर जगह की होली फीकी पड़ जाती है। सुनिएगा, हाजिर करती हूँ। कि न फंसना फुलझड़ी में तुम, न लगना बम व गोली में, न लगना रंग वालों में, न तो हुड़दंग टोली में। अगर आना है तो बस रात में आना अकेले में। नहीं आए तेरे भैया अजीस साल होली में, न आए हैं तेरे भैया अजीस साल होली। आप सो रहे हैं क्या भैया? हेलो, नहीं, वो माइक कंफ्यूजन में हो गया, कहें कि आना भैया अकेले में। अब सोच रहा है कि भैया हैं तो आना है, या कि भैया कह के बुला रही हैं, तो वो थोड़ा सा माइक भी सस्पेंशन में आ गया। हाँ, तो कहीं राधा की टोली है, कहीं मोहन निवेदन की है टोली। एक मेरा निवेदन स्वीकार करें आप। ये इस समय जब हम लोग ऑलरेडी भक्ति भावना वाले लोग हैं, अब हम नहीं चाहते कि इस समय कोई इतना भक्ति जागृत कर दे कि धीरे धीरे देवता हो जाएं, और देवता हो जाएं और अरौरा चौराहे पे मुझे कोई स्थापित कर दे और पूरा अरौरा वाले आके दो दो लोटा पानी हमको चढ़ाएं। तो इस समय आप ये राधा कृष्ण भक्ति, ये पूज्यनीय जितने आपके रचनाएं हैं, इन्हें छोड़ करके कुछ इश्क मोहब्बत की बातें करें कि हमारे नींद कुछ जागृत हो। हम आदमी होना चाहते हैं, हम इस युग में देवता होना नहीं चाहते। हाँ, वैसे भी हम गंगा अभी आदमी होने की प्रक्रिया में आ चुके हैं, इसलिए मैं तो सोच रही थी कि अभी तक देवता हैं। कर रहे हैं हम, देवता मत बनाइए। देवता होने में बहुत दुर्गति है। जिस श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ती हूं, देवी जी रुक जाइए, हम आपके समर्थन में ही बोल रहे हैं। हम आपके समर्थन में बोल रहे हैं। देवता होने में दुर्गति है। लोग 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देते हैं, घंटी हाथ में लेके नाभ्यासी दंतरिक्ष गुंग ऐसे करके घंटी बजा देंगे, मंत्र पढ़ देंगे, पूरा लड्डू सामने से उठा के लेके चले जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि 12 बजे रात्रि के बाद मुझे कोई देवता बनाए। हम आदमी बनना चाहते हैं और श्रृंगार रस में जीना चाहते हैं, देश की जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह का कुछ सुनाइए कि होली में कुछ उमंग उत्साह जगे, वरना हम घर यहाँ से लौट के बनारस जाएं तो पत्नी कहे कि पता नहीं क्या सुन के आया है कि सोया है और देवता बन के माला लेके बैठ गया, और फिर हमको रात को गौतम बुद्ध की तरह बीवी बच्चों को छोड़ के भागना पड़े। तो हमारा संन्यास न जगे, इस तरह का न सुनाइए, विनम्र निवेदन करता हूँ। हाँ जी, आदरणीय डॉक्टर अनिल चौबे जी का आदेश हुआ है कि कोई श्रृंगार की पंक्तियां सुनाइए। और श्रृंगार तमाम रचना
वक्त की मांग यही है जी, हाजिर करते हैं, सुनिएगा कि जब उसने मेरे प्यार का इकरार कर लिया, जब उसने मेरे प्यार का इकरार कर लिया, जब उसने मेरे प्यार का इकरार कर लिया, मैंने भी उसके नाम का श्रृंगार कर लिया, मैंने भी उसके नाम का श्रृंगार कर लिया। बस उसके वाले का स्पष्ट कर दीजिए, जो उसके किसके, हाँ तो कंफ्यूजन दूर हो, बाकी सब सही है। वाह, कई लोग भ्रम में हैं जो उसके कौन, सब अपने अपने को समझ रहे हैं। बहुत अच्छा, आप थोड़ी सी तालियां बढ़ाइए, इनका मन बने। हाँ जिंदाबाद पूनम जी, वाह। कल रात में आया था वो चुपके से मेरे पास, कल रात में आया था वो चुपके से मेरे पास, कल रात में आया था वो चुपके से मेरे पास, मैंने उसे जुल्फों में गिरफ्तार, मैंने उसे जुल्फों में गिरफ्तार कर लिया, मैंने उसे जुल्फों में गिरफ्तार कर लिया। और चार पंक्तियां सुनिएगा, हासिल करती हूँ, हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। मनोज श्रीवास्तव जी, आप भी सुनिएगा इन पंक्तियों को। उनको मैंने जुल्फों में गिरफ्तार कर लिया। न पूछ मुझसे कि मैं कितना प्यार करती हूँ, वाह न पूछ मुझसे कि मैं कितना प्यार करती हूँ, तमाम रात तेरा इंतजार करती हूँ, तमाम रात तेरा इंतजार करती हूँ, मजाक करती है मुझसे तुम्हारी हमशीरा, तुम्हारी याद में जिस दिन श्रृंगार करती हूँ, तुम्हारी याद में जिस दिन श्रृंगार करती हूँ, तुम्हारी याद में जिस दिन श्रृंगार करती हूँ। और श्रृंगार की पंक्तियां हो चुकी, मैं चाहती हूँ कि होली का कुछ एक छोटा सा गीत, स्वागत है, स्वागत है, जोगीरा मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। इससे पहले एक घनाक्षरी आपके बीच होली का रखती हूँ, उसके बाद गीत होली के सुनेगा। कि अंग अंग फागुन जगावे आके जोश जंग, रोरी रंग वीर से भरल बटे अंगना, वाह वाह। अंग अंग फागुन जगावे आके जोश जंग, रोरी रंग वीर से भरल बटे अंगना, सगरों उड़त बागु लाल लाल लाल, देखा सब ही भुआल लागे, सब लागे अपना, ततीय तीय राधा लागे, जन जन कृष्ण आज लागे, ला बरिस बाद पूजल है बस अपना, तीय तीय राधा लागे, जन जन कृष्ण आज लागे, ला बरिस बाद पूजल है बस अपना, पूनम श्रृंगार लेके रस में बहार लेके, लागला दुलार लेके आयल बाट फगुना, लागला दुलार लेके आयल बाट फगुना, लागला दुलार लेके आयल बाट फगुना। जी बहुत बहुत आभार व्यक्त, एक वरिष्ठ गीतकार मनोज मधुर के कर कमलों द्वारा मुझे पुष्प गुच्छ दे करके उन्होंने मेरा सम्मान बढ़ाया, नाम बढ़ाया। मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ, हाजिर करती हूँ होली का जोगीरा, सुनिएगा। अगर जोगीरा पर आप लोग भी तान देंगे तो ये होगा कि नहीं, वाकई में आज रंगभरी एकादशी यहाँ पर सार्थक हो जाएगा मेरे होली के गीत से, सुनिएगा।
जबरदस्ती हो कि जोगी ने तान मारी कोयल ने कूक जोगी ने तान मारी कोयल ने कूक फगुआ में लाग गया जेरा माहोक बोलो हाया 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 जोगीरा सरारा हाय जोगीरा सरारा ओ जोगीरा सरारा बा जोगीरा 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 सरारा लिए हाथों में अपने रंग लिए हाथों में अपने रंग मचा है चहुदिस में हुड़दंग नशीली होली आई रे रंगीली होली आई रे। एक लोग ताली नहीं पूरे सदन से तालियों का आशीर्वाद मांगती हूँ। सब लोग ताली बजा करके इस गीत के साथ साथ ताली बजाइए ताकि मेरा गीत गाना यहाँ पर सुनाना सार्थक हो जाए। हाजिर करती हूँ सुनिएगा, इसलिए कि आपकी दया की हूँ, आपसे मोहब्बत मांगती हूँ, दुलार मांगती हूँ, प्यार मांगती हूँ। सुनिएगा कि लिए हाथों में अपने रंग लिए हाथों में अपने रंग मचा है चहुदिस में हुड़दंग नशीली होली आई रे रंगीली होली आई रे नशीली होली आई रे रंगीली होली आई रे। गदराया यौवन गेहूं का झुकी शर्म से बाली गदराया यौवन गेहूं का झुकी शर्म से बाली अरे धरती ने ली ओढ़ चुनरिया धानी रंगों वाली अरे धरती ने ली ओढ़ चुनरिया धानी रंगों वाली भींगे है चोली सारी आहा भींगे है चोली सारी आहा न मारो तुम पिचकारी आहा न मारो तुम पिचकारी नशीली होली आई रे रंगीली होली आई रे नशीली होली आई रे रंगीली होली आई रे। जैसे मन बनाया है आप लोगों ने वैसे ही मेरा भी मन बना दीजिएगा। हाजिर करती हूँ दूसरा बंद सुनिएगा कि पाखंडी सन्यासिनी बनकर सरसों चढ़ी उतानी पाखंडी सन्यासिनी बनकर सरसों चढ़ी उतानी अरे प्रीति बसन के उनके देखो चढ़ी है आज जवानी अरे प्रीति बसन के उनके देखो चढ़ी है आज जवानी हवा के संग वो झूमे आहा हवा के संग वो झूमे आहा धरा के गाल वो चूमे आहा धरा के गाल वो चूमे आहा लिए रंग हाथों में आई लिए रंग हाथों में आई फाग की टोली रे नशीली होली आई रे रंगीली होली आई रे नशीली होली आई रे रंगीली होली आई रे। आते ही मधुमास बदल जाते मौसम के तेवर आते ही मधुमास बदल जाते मौसम के तेवर अरे बूढ़वा बाबा समझे लागे खुद को हमारा देवर अरे बूढ़वा बाबा समझे लागे खुद को हमारा देवर लगे वो आखिर जुम्मा आहा लगे वो आखिर जुम्मा आहा फिर भी मांगे वो चुम्मा आहा फिर भी मांगे वो चुम्मा आहा बाबा के सिर चढ़ गई देखो बाबा के सिर चढ़ गई देखो भंग की गोली रे नशीली होली आई रे रंगीली होली आई रे नशीली होली आई रे रंगीली होली आई रे। आखिरी बंद इस गीत का सुनिएगा और हवा में लहराते हुए तालियों का ग्राफ बढ़ाइएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा। हाजिर करते हैं सुनिएगा होली में जब डूब गए मोरे अनिल जी सुन भाई होली में जब डूब गए मोरे अनिल जी सुन भाई चाची को भी समझ लागे वो अपनी भौजाई अरे चाची को भी समझ लागे वो अपनी भौजाई पूनम की पकड़ी कलाई आहा पूनम की पकड़ी कलाई आहा कहे हमरी हो लुगाई आहा कहे हमरी हो लुगाई आहा कोयल की
बोली लागे सुन, कोयल की बोली लागे सुन, गधे की बोली रे, नशीली होली आई रे, रंगीली होली आई रे, नशीली होली आई रे, रंगीली होली आई रे, नशीली होली आई रे, रंगीली होली आई।